जतन लामचा सवरा जहाँ खूब पचेनाल देखा मुखे दमीन चमप्रिंगे मिजोराम आसाम त्रिपुरा मणिपुर इंडियन फाथर दौरान बांग्लादेश सेक्टर तीन नाम बुस्कमो खूब पक्ता मा तीमे हा बाग्रा तीनखे मियाखी दिल्ली एग्रीमेंट साइन खेले मनीतुए बांगमा ब्रो जेमो सहे तमान बापनदाव तीन बंगी सहे जो लुगनो खनाम बापनदाव स्राइ स्राइ तीन सकलाये खनारे हा नार सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के सर मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त हैं, मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता। सर आप लोगों आपको लगता है कि मैं बोलूंगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृहमंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ, मैं आदित्य ठाकुर से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैं उनके साथ मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात की। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करते। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर मुझे आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज बीए पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया जो आप लोग इतने मीडिया हाउस आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन का मैं 100-100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ तिपरा मोटा पार्टी एक साथ एक ही संघ विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ हाँ। क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चलाई? सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं। कौन, अभी एक आदमी का नाम बता दीजिए। आदमी नहीं कि हाँ विरोधी का नाम बता दीजिए, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ हुआ हम लोगों को भी बताने चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए, सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस दे। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है, दिलजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज सन पूजन। पीयूष विश्वास वापस कांग्रेस में गए, पूजन उसके संग ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है, ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी की नहीं। बात यह है सर, जो आम जनता, जो आम जनता, आप जैसे देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और ने वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा, बोलेगा एक आदमी था, आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं नहीं एक आदमी था, आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेस का बता दीजिए। मेरी बात ये है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहते है कि टिप्पणी में तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है कांग्रेस है चाहे वो विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो ऑलरेडी राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के साथ मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था, सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे? कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के साथ डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में,
जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था, मुझे गाली बका गया जुमला। इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिप्रसा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यहाँ के जो लोकल मीडिया है आप लोगों के साथ, बहुत कम लोग, आपने किया, आप तो है मेरा मित्र, आपने किया, सच में मैं मजाक से नहीं बोलूँ, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिप्रसा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। मोहगरा अभी दिल्ली में जाके तिपरा मोटा कुछ सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है, बेच दिया एक रुपये में, जान बेचा या कुछ लेके आया है, और जो सोशल मीडिया में बोल रहे ना वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, दूसरा पार्टी ने बोला, तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल लास्ट, एक सवाल आपका, तो सवाल सवाल है आपका, जो सर जो तीसरा लैंड का जो इशू था वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। सहा जो तो राजा ने खूब चैनल नहीं है तो मेरा ना